जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग विशेष इन्फोटेक्निक्स लिमिटेड, जिसको एमपीएस इन्फोटेक के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, दो नाम है इस कंपनी की, विशेष इन्फोटेक और एक एमपीएस। अब नाम भले ही दो है लेकिन कंपनी एक है और काम दोनों का एक ही, इसलिए नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। जब आप स्क्रीनर या बीएस इंडिया की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पे एमपीएस इन्फोटेक सर्च करने से आपको स्टॉक नहीं आता, तो वहाँ पे आपको विशेष इन्फोटेक्निक सर्च करना होता है। बहरहाल हम लोग इस कंपनी में बात करेंगे कि आखिर इस स्टॉक में, चूंकि वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम इन दिनों लगातार बढ़ा है, पिछले कुछ दिनों में खूब वॉल्यूम बढ़ा, करोड़ों में स्टॉक्स में नए बायर्स आए हैं, तो उसका बेनिफिट इस स्टॉक को मिलते हुए दिख रहा है कि नहीं, और नहीं दिख रहा है तो क्यों नहीं दिख रहा है। सबसे मेन बात है कि शेयर प्राइस में तेजी कब आएगी, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में खंगालने का हम लोग प्रयास करेंगे। आपको बताऊंगा कि कंपनी के काम और फंडामेंटल के बेसिस पे यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने बिल्कुल सही काम किया है और आपको इसमें बने रहने की आवश्यकता है, और जिसका नहीं है उसे जरूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस लेवल पर बाय करना चाहिए, यह भी आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। देखिए, अभी बीएस इंडिया वेबसाइट पर हम लोग आए हैं। बीएस इंडिया वेबसाइट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं, विशेष इन्फो टेक्निक्स लिमिटेड को, तो आपको यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखेगा कि इसमें ट्रेडिंग अभी सस्पेंडेड कर दिया गया है, क्योंकि इसने जो एनुअल लिस्टिंग फी होता है उसको पे नहीं किया है। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा बात नहीं है कि इस कंपनी ने जो लिस्टिंग फी होती है एक्सचेंजेस की वो पे नहीं किया। हुआ क्या था कि इसका कल का एक लेटर आया है, आपको मैं दिखा दूंगा। वहाँ पे कंपनी का कहना है कि इसने अपने साइड से जो भी फीस पे करने होते पे कर दिया था, लेकिन वहाँ तक पेमेंट पहुँचा नहीं था। अब इसमें हो सकता है कि एक पार्टी सच बोल रहे, दूसरी पार्टी झूठ बोल रहे, तो इसी को लेके जांच पड़ताल चल रहा था। जांच में स्पष्ट पा लिया गया है कि नहीं, इस कंपनी ने अपना जो जो भी फीस पे करना था, जिसको उसने फी पे कर दिया था। तो अब क्या होगा कि हो सकता है कि विद इन वन वीक, एक सप्ताह के अंदर ही आपको इसमें से जो ये स्टॉक में ट्रेडिंग सस्पेंडेड किया गया है, इसको फिर से बहाल किया जाए और इस स्टॉक में ट्रेडिंग आपको शुरू होते हुए दिख सके। तो ये गुड न्यूज है, कल के दिन का ये अपडेट है, मैं आपको इसमें बता दे रहा हूं। तो एक बार जब इस जो ये रेड फ्लैग लग गया है इस पे सस्पेंडेड वो हट जाएगा, फिर इसमें तेजी और ज्यादा आने की चांसेस, क्योंकि शुरू में बताया कि चूंकि न्यूज आ गया है जिस वजह से इसमें वॉल्यूम आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं वॉल्यूम किस हिसाब से इसमें बढ़ रहा है। सबसे पहले आप देखें कि इस स्टॉक का प्राइस अभी तकरीबन 39 पैसा के आसपास चल रहा, और सिर्फ 40 पैसा पे जैसे इसका प्राइस पहुंचेगा अपर सर्किट लग जाएगा। हालांकि आपको यह भी देखना है कि अगर 2 पैसा डाउन भी गया तो लोअर सर्किट लग जाएगा, लेकिन यहां पे चांसेस अपर सर्किट लगने के ज्यादा है, क्योंकि एक तो ये ज्यादा करीब है इस कंपनी के शेयर प्राइस के मुकाबले, और प्लस जैसे बताया कि स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो जब वॉल्यूम बढ़ता है तो शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाता है, न कि आपको नीचे की तरफ जाता है। और अब मैं आपको दिखा देता हूं कि स्टॉक में वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ रहा है, ताकि आपको भी आसानी से समझ में आए कि इस स्टॉक में आखिर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो अब की जाके कहीं ना कहीं इसमें तेजी आने के चांसेस हैं। देखिए, हम लोग वॉल्यूम एनालिसिस पे आ गए हैं। यहां पे आपको दिखेगा कि एक दिन की मैं बात करूं तो यहां पे 2 करोड़ के आसपास कारोबार इस स्टॉक में होते हुए दिखा है। पिछले दिनों की बात करूं तो पिछले दिनों में 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम होते हुए दिखा है, और पहले जहां एक सप्ताह में 2 करोड़ का वॉल्यूम होता था, पूरा एक सप्ताह मिला के सिर्फ 2 करोड़ का बाई सेल होता, तो वहां पे बेकिट दिनों में देखेंगे तो 2 करोड़ का वॉल्यूम इसमें आने लगा है। तो ये इस बात के संकेत है कि इसमें न्यू बायर्स इंटरेस्टेड ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक में जो भी निगेटिव न्यूज थी, निगेटिव न्यूज अब खत्म हो गई और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही बचा है, जिसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में ग्रो होते हुए आपको दिखेगा। यहाँ पे जब आप एनालिस्ट में भी देखेंगे तो एनालिस्ट आपको 100% एनालिस्ट और जो फॉर्म होते हैं आपको सजेस्ट करें कि नहीं, आपको इसमें बाई करना चाहिए, बाई करने की सलाह दी जा रही है। तो आप यदि पहले से आपने बाई करके रखा था तो कोई बात ही नहीं है, नहीं बाई किया तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे किस लेवल पे आपको एंट्री इसमें लेना है। ठीक है, विशेष इन्फो टेक्निक्स में एक तो कंपनी का काम काफी बढ़िया है, जैसे मैं बता दूं कि आईटी से रिलेटेड कंपनी, आईटी एंड टेलीकॉम से रिलेटेड कंपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराती है। मेन इसका जो मेजर जो रेवेन्यू प्राप्त होता है कंपनी की, जो मेन कमाई होती है, वो आईटी से रिलेटेड जो काम काज करती है कंपनी उससे होती है, और बाकी फंडामेंटल भी कंपनी का ठीक ठाक है। तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, तो हम लोग जो कंपनी का वैल्यूएशन 100 करोड़ के ऊपर होता है उसको लेकर ठीक ठाक हिसाब का मानते हैं और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने को लेकर प्रीफर करते हैं। अब चलिए आपको बता दें किस लेवल पे आपका इन्वेस्टमेंट यदि नहीं है तो होना चाहिए। अभी देखेंगे तो क्या है कि इस स्टॉक का प्राइस एक साल के जब लेवल पे देखते हैं तो अभी डाउन ट्रेंड में है, तो डाउन ट्रेंड में तो अभी आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि वॉल्यूम बढ़ रहा है और चूंकि जो भी इसमें निगेटिव न्यूज था, निगेटिव न्यूज अब खत्म हो गया है और सिर्फ पॉजिटिव न्यूज ही इस स्टॉक में बचा है, तो अब जाके इस स्टॉक में आपको तेजी आते हुए दिखेगा। आप विद इन एक सप्ताह के अंदर देखेंगे कि ये जो प्राइस नीचे की तरफ झुका हुआ है ना, ये अब ऊपर की तरफ उठते हुए दिखेगा, और एक बार ये जब प्राइस ऊपर की तरफ उठ जाएगा
यहाँ से अभी जो झुका हुआ है, उठने के बाद जब इस लेवल को देखिए, ये जो आप लेवल देख रहे हैं ना, ये तकरीबन 45 पैसा से लेके 50 पैसा के लेवल, इस रेंज में जब प्राइस आ जाएगा, आप इसमें समय बिताने लगेगा, तब आप तैयार हो जाएगा इसमें एंट्री लेने के लिए। और जैसे 50 पैसा से ऊपर इस स्टॉक का प्राइस आपको निकलते हुए दिखे, यहीं पर आपको एंट्री ले लेना है, क्योंकि 50 पैसा से ऊपर निकलेगा तो फिर ये स्टॉक रुकेगा नहीं, कम से कम आपको 1 रुपये तक का टारगेट इजिली आपको अचीव करा देगा, क्योंकि ये हायर हाई बनाते हुए लॉन्ग टर्म स्टॉक का प्राइस आपको चल रहा है। तो इसलिए अभी भले प्राइस नीचे जा रहा है, आपको वेट करना है इस प्राइस को ऊपर उठने का, और जैसे 45 से 50 रुपए के लेवल के बीच में आए, आप तैयार हो जाएगा इसमें पैसा लगाने के लिए, और जो लेवल मैंने बताया है यहाँ पे आप फटाक से एंट्री कर लीजिएगा। तो विशेष इन्फो टेक्निक्स का काम कंपनी का फंडामेंटल ओवरऑल मिला के देखें तो ठीक है, आपका सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करना बनता है, सही जगह पे यदि आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपको इसमें पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।